टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने नई कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम को इंटरकनेक्शन सुविधा नहीं देने के मामले में मौजूदा टेलीकॉम ऑपरेटरों भारती एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया सेल्युलर पर 3,050 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की सिफारिश की है। एयरटेल और वोडाफोन पर 21 सर्कल के हिसाब से प्रति सर्कल 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जबकि आइडिया पर भी इसी हिसाब से 19 सर्कल के लिए जुर्माना लगाया गया है। रिलायंस जियो ने 5 सितंबर से अपनी सेवाएं शुरू की थी। रिलायंस जियो ने शिकायत में कहा था कि उसके कस्टमर्स की एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया के नेटवर्क पर की गई 75% कॉल नहीं लगती। बता दें कि नियमों के मुताबिक इंटरकनेक्शन के मामले में 1,000 में से 5 से ज्यादा कॉल फेल नहीं होनी चाहिए। ट्राई ने पाया है कि ये ऑपरेटर लाइसेंस शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके बाद ट्राई ने दूरसंचार विभाग से इन 3 बड़ी कंपनियों पर जुर्माना लगाने की सिफारिश की है।